दुनिया की मोस्ट पावरफुल एम्परर में से एक मुगल एम्परर जिसने भारत पर लगभग 300 साल शासन किया, लेकिन भारत के ही पड़ोसी देश नेपाल पर अभी तक किसी भी देश ने शासन नहीं किया। हालांकि मुगल एम्परर के दो शासकों शमसुद्दीन इलियास और मीर कासिम ने नेपाल पर आक्रमण भी किया, पर उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हो सकी। बट इसके रीजंस देखें तो दुनिया के सबसे बड़े 10 पर्वतों में से 8 पर्वत नेपाल में पड़ते हैं, जिन पर चढ़ना काफी मुश्किल था, लेकिन उस टाइम पर युद्ध में हाथी, घोड़े और ऊँटों का यूज किया जाता था, जिनके लिए काफी मुश्किल टास्क था। वैसे तो नेपाल कोई गरीब देश नहीं था, लेकिन अटैक करने के लिए रिसोर्सेज की नीड ज्यादा थी, जबकि वहाँ पर इकोनॉमिकल प्रॉफिट बहुत कम था। यदि मुगल्स नेपाल पर अधिकार कर भी लेते तो उनके लिए नेपाल पर शासन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि नेपाली इस पहाड़ों के उग्र झुंड में रहते थे। अगर वो विद्रोह कर भी देते तो मुगल्स के लिए दबाना मुश्किल था, क्योंकि मुगल्स की राजधानी दिल्ली और नेपाल काफी दूरी पर थे।